हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग ठीक होंगे। मेरा नाम समीर है और आपका समीर ब्लॉग चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए नरपतगंज रेलवे स्टेशन का अपडेट लेके आए हैं। लगभग 3 हफ्ते के बाद हम नरपतगंज रेलवे स्टेशन पे आए हैं, क्योंकि रमज़ान का महीना चल रहा है। हम भी रोज़ा रखते थे और बीच में मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई, तो इसलिए हम कहूँ जा नहीं रहे थे। और थोड़ा बहुत जो काम भी रहता है, कुछ जिम्मेदारियां हैं अपने ऊपर, तो उसको भी पूरा करने में टाइम लग जाता है, तो इसीलिए अपडेट नहीं दे पा रहे थे, उसके लिए सॉरी। आज हम आपको एक बार फिर से आए हैं नरपतगंज रेलवे स्टेशन ओनली आपको अपडेट देने के लिए। और अभी वर्तमान में किस तरीके का नरपतगंज रेलवे स्टेशन दिख रहा है, कहाँ तक काम हुआ है, इसका अपडेट देंगे आपको। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर छोटी बड़ी अपडेट आपको मिलती रहे। अब हम नरपतगंज आए हैं तो आपको देवीगंज का अपडेट भी देंगे इसका अगले वीडियो में, और उसके बाद फारबिसगंज का भी चक्कर लगा के भी अपडेट आपको मिलने वाला है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर छोटी बड़ी अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए आपको नरपतगंज रेलवे स्टेशन दिखाते हैं। तो अभी मैं प्लेटफार्म नंबर 1 पे खड़ा हूँ, और यहाँ पे लगभग लमसम काम जो है ट्रैक वगैरह का जो है, 1 नंबर का मेन लाइन का और 3 नंबर का, सॉरी 2 नंबर का भी जो है जो काम लगभग हो गया है। सिर्फ जो है 2 नंबर प्लेटफार्म पर जो है थोड़ा बहुत काम जो है कहूँ कहूँ पर। अब जैसे देख रहे होंगे शौचालय का जो काम है उसमें टाइल्स वगैरह नहीं लगा है, जो प्लम्बरिंग का काम आधा अधूरा दिख रहा है। और कहीं कहीं पे जो है जो ग्रिल वगैरह नहीं लगाया गया है, और 1 नंबर पर जो है जो ग्रिल लगाने का काम जो है पूरा हो गया है, और टाइल्स का भी जो काम लगाने का 1 नंबर पर हो गया है। और पिछले वीडियो में जो यात्री शेड वगैरह जो है नहीं लगा था, इसमें अभी जो आए हैं तो देख रहे हैं कि शेड वगैरह लग चुका है, और शेड के साथ साथ जो है लाइट का जो है खम्भा वगैरह भी लग चुका है। अब जलती है कि नहीं जलती है ये पता नहीं, तो इसके लिए एक वीडियो हम किसी दिन रात में बनाएंगे तो आपको भी दिखाएंगे। और यहाँ पे नल वगैरह नहीं लगा अभी। चलिए अब आपको लेके चलते हैं आगे स्टेशन भवन के पास, और वहाँ देखते हैं क्या क्या तब्दीली हुआ। यहाँ पर जो है जो मार्बल लगाने का जो काम चल रहा है, ये बड़ा सा जो शेड होता है वही लगेगा यहाँ पर। और ये स्टेशन रहा जिसकी रंगाई पोताई का काम जो है लगभग हो चुका है बाहर से। स्टेशन लगभग तैयार है बनकर, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है स्टेशन, न्यू लुक है स्टेशन का। एंटिंग पेंटिंग का जो काम है जो लगभग इधर का देख रहे भवन का जो हो चुका है, और इधर जो है वेटिंग हॉल है, इसमें भी जो है मार्बल वगैरह लग कर चकाचक कर दिया गया, इसको भी मट्टी पुट्टी हो गया, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। सुबह में बारिश हुई है तो इस वजह से थोड़ा सा पानी पानी लग रहा है। और इस तरफ की बात की जाए स्टेशन के बाहर का, तो इधर भी लगता है ढलाई हो चुका है, इस पर ढलाई कर दिया गया है, इस पर जो दिख रहा है आपको इस पर ढलाई हो चुका है। चलिए आपको प्लेटफार्म पर लेके चलते हैं आज। और ये है जो ये दो को देखिए, ये कमरान साहब हैं और ये मुमताज साहब हैं जो हमारे साथ आए आज। चलिए लेके चलते हैं आपको आगे। यहाँ पे किस्म देख रहे हैं सोलर पैनल वाला जो लगा है लाइट यहाँ पर,
पेंटिंग का काम लगभग हो गया है। बहुत ही शानदार लग रहा है देखने में ये स्टेशन। देखिए और एक नंबर पे जो है, जो दो नंबर प्लेटफार्म पे भी जो है लाइटिंग वगैरह का काम जो है, लाइट वगैरह जो है लग चुका है। आप लेके चलते हैं आपको छत पे, छत से कैसा दिखता है पूरे स्टेशन का नजारा आपको दिखाते हैं। चलिए, सिग्नलिंग वगैरह का सामान रखा हुआ है यहाँ पर, अभी वर्कर्स सब रहते हैं इसमें। चलिए ऊपर चलते हैं, बहुत दिन से आने के लिए सोच रहे थे छत पर, तो इसका ढलाई हो रखा था इसलिए नहीं आ रहे। अब हम छत पे आ चुके हैं इसका, स्टेशन के भवन के ऊपर से प्लेटफार्म ऐसा दिखता है। और इधर इधर का ऐसा व्यू है। चलिए एक चलते हैं आप लोग उस तरफ। चलिए चलते हैं अब नीचे। लगभग 90% काम जो है हो चुका है यहाँ पर, 10% ही काम जो है रह रहा। अब स्टेशन बहुत खूबसूरत लगा देखने में, सब वर्कर वगैरह यहाँ पर आ रहे हैं। ये दो आया है मेरे साथ, आप देखिए क्या कर रहा है। अब चलिए लेके चलते हैं आपको आगे, और आगे का दिखाते हैं क्या क्या यहाँ पे काम हुआ है। इस तरफ जो है देख सकते हैं लगभग जो है 90% काम जो है यहाँ पर जो हो चुका है, पेंटिंग पेंटिंग का भी काम हो चुका है। यहाँ पे वायर लगाने का जो है अंडरग्राउंड वाला काम जो है वो काम चल रहा है, और बहुत ही अच्छा लग रहा है स्टेशन पे आने के बाद, क्योंकि पेड़ पौधा सब हरा हरा है और बहुत ही मोटा मोटा पेड़ है, और बहुत ही शानदार हवा भी चल रहा है। यहाँ पे एंटिंग पेंटिंग का भी काम जो है आप देख सकते हैं कि दो नंबर पर भी और एक नंबर पर भी जो है जो पेंटिंग का जो काम जो है लगभग पेंटिंग का काम तो हो चुका है, सिर्फ जो थोड़ा सा जो काम बाकी है जो ज़मीन का काम बाकी है उस तरफ। देख रहे होंगे आप टाइल्स वगैरह जो है रखा हुआ है वहाँ पर, और बाथरूम वगैरह में जो है टाइल्स और सीट वगैरह नहीं लगा है दो नंबर पर प्लेटफार्म पर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो यात्री शेड जो है एक नंबर पर प्लेटफार्म पर लग चुका है, और इस तरफ जो है एनएच की तरफ से जो बोर्ड भी लग गया है। अब सीआरएस देखिए इसी महीने में बात की गई थी कि सीआरएस होगी, उसका डेट अभी नहीं निकला है तो कब सीआरएस होती है। स्पीड ट्रायल तो हो चुकी है, जितना स्पीड में स्पीड ट्रायल हुआ था तो उस हिसाब से लग रहा था कि सीआरएस भी बहुत जल्द हो जाएगी, मगर अभी तक सीआरएस का डेट नहीं निकला है। सीआरएस का डेट भी नहीं निकला है तो देखिए इस महीने में हो सकता है कि सीआरएस वगैरह हो जाए। और ललितग्राम से जो सहरसा से जो ललितग्राम तक पैसेंजर ट्रेन चलती है उसको यहाँ तक लाया जाए, चाहे इसके आगे फॉरबिजनेस तक किया जाए। दोस्तों वीडियो मेरी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो
वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर छोटी बड़ी अपडेट आपको मिलती रहे। अब लगभग यहाँ पे 90% जो है काम हो चुका है, तो देखिए बहुत स्पीड में काम हुआ है, तो उम्मीद है कि CRS जल्दी हुई हो जाए। इसी महीने की बात की गई थी कि CRS वगैरह इसी महीने में हो जाएगा, जिस तरीके से स्पीड ट्रायल हुई है जितना स्पीड में उस हिसाब से लग रहा था कि CRS वगैरह हो जाएगी। और दुलितग्राम तक पैसेंजर ट्रेन चलती है, उसको नरपतगंज तक जो है लाया जाएगा। दोस्तों अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर छोटी बड़ी अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे।